अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज आपका भाई, आपका छोटा भाई आपके सामने फिर एक ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि कई के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और कई के लिए उनको मालूम होगा, लेकिन ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको नहीं पता। सो आप देखें, ये आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैसेंजर जो सा होता है उसको आप अपने जो से मोबाइल है उसमें आप किस तरह उसको लॉग आउट कर सकते हैं। जबकि ये देखें, आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना मोबाइल ओपन किया, कोड ओपन किया और ये हम गए मैसेंजर में। अच्छा, हम मैसेंजर में गए तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरी सारी मेरी चैट्स खुली हुई हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जहाँ से इसको लॉग आउट कर सकें। तो कई दोस्त ऐसे होते हैं जो घर में मोबाइल भूल जाते होंगे और इस तरह की प्राइवेट चैट होगी जिस जो किसी और को पढ़ाना नहीं, वो चाहते होंगे कोई और ना पढ़ सके। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप इसके ऊपर आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, ज़ाहरी बात, लेकिन वो सिक्योरिटी से भी अगर बंदे का दिल मुतमिन ना हो और वो यहाँ से लॉग आउट करना चाह रहा हो, मेन मकसद लॉग आउट करने का है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसे हम लॉग आउट कर सकते हैं, तो ये स्विच अकाउंट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर हामी शेख, ये देखें यहाँ पर ये तीन नुकते नज़र आ रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि यहाँ से हम बंद कर दें, लेकिन यहाँ से भी नहीं बंद कर सकें। यहाँ पर तो इसको क्लिक करेंगे तो पासवर्ड की सेटिंग आ जाएंगी, लेकिन फ्रेंड्स हमने इनको कुछ नहीं ऐसा वैसा पंगा लेना। तो आज सीधे मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप अपना जो है मैसेंजर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि आपका ईमेल लगाना पड़ेगा, फिर आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा और फिर आपका जो है ये मैसेंजर लॉगिन होगा। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गए मेन्यू, मेन्यू में जाने के बाद फ्रेंड्स हम गए सेटिंग्स। तो हम जब सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे तो फ्रेंड्स आपने देखना है कि आपकी एप्लीकेशंस किधर हैं। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime 10। तो फ्रेंड्स को मेरी तो यहाँ पर हैं एप्लीकेशंस, मैं यहाँ पर जाऊँगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन सेटिंग है, यहाँ पर हमारा नहीं है मैसेंजर, तो हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस में जाएंगे तो यहाँ पर भी नहीं है मिलेंगी हमें। आपने जाना एप्लीकेशन मैनेजर में। अच्छा फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, आपने जो मोबाइल में डाउनलोड किए हैं, जो आपके फ़ोन की थी, वो सब यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब हमने क्या करना था, हमने मैसेंजर को वहाँ से आउट करना था। अच्छा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आया, अब मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपका मैसेंजर ऑन है, हम यहाँ से इसको ऑफलाइन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इधर जाइए डेटा यूजेज, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो सा फोरग्राउंड डेटा, फिर बैकग्राउंड पे जो डेटा आपका यूज़ हो रहा है 19 MB, 28 MB, 28 MB, ठीक हो गया। यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि कितना डेटा यूज़ हो रहा है। तो हम इधर जाएंगे स्टोरेज, स्टोरेज में आकर फ्रेंड्स ये देखिए टोटल 215 MB का जो सा है मैसेंजर, ऐप 165 MB की है और डेटा 49.24 MB का। अच्छा फ्रेंड्स, ऑफलाइन करने के लिए अपने मैसेंजर को यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये यहाँ पर क्लिक, ये क्लियर डाटा, ऑल ऑफ दिस एप्लीकेशन डाटा विल बी, ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने डिलीट पर कर देना है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, जब हमने डिलीट पर किया तो ये 0.00 byte हो गया, जो सा 165 MB हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से दोबारा मैसेंजर पर जाते हैं। अब देख लीजिएगा मैसेंजर ऑफलाइन ऑफ हो चुका होगा, आप इसको दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड, देखिए ये अब आपके सामने, ये देखिए फ्रेंड्स आ गया वेलकम टू मैसेंजर्स, और ये ऑप्शन यहाँ पर आप दोबारा कंटिन्यू पर करेंगे, फिर यहाँ पर आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर पासवर्ड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसके चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सामने इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लेकर आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपने, खुदा हाफिज़।